हेलो दोस्तों, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। दोस्तों देखो, लेमन ग्रास ना तीसरे दिन हो जा रहा है बारिश में। ये मैंने इसके पत्ते सब ऐसे काट के मैंने रख दिए, इनको धो के मैं काट लूँगी और चाय पत्ते के डिब्बे में फिर मिला लूँगी। मिलाती रहती हूँ 15 दिन में और 1 महीने में तो ये डो हो ही जाता है। दोस्तों कुछ दिन पहले ये काटा था और ये देखो, मैंने आज इसको फिर इसकी सफाई करके ये पूरा मैंने निकाल दिया था पूरा। ये देखो गंदगी गंदगी हो रही है इसमें से, ये बहुत हो जाता है दोस्तों। ये हटाना पड़ता है, ये देख रहे हो, ये वाला हटाना पड़ता है। आप भी अच्छी तरह से इसको हटाएं। और आपको ना अदरक खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी इसकी चाय बनती है। और कई लोग ऐसे भी हैं यार, आजकल बच्चे इसको पसंद, मेरे बच्चे तो पसंद नहीं करते हैं, बोलते हैं हमें नहीं लगता ये अच्छा, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये इस तरह से मैं इसको निकालूँगी और ये हो जाता है ऐसा ना, ये पुराने जो पत्ते हैं सूख जाते हैं, जो फिर इसमें नए जो हैं फिर इसमें आ जाएंगे। तो ये पूरा गंदा गंदा लग रहा था, मैंने कहा चलो इस तरह से इसको करते हूँ। ये देखो मैंने इस तरह से ये देखो डिब्बा दिख रहा, ये ऐसे कुछ भी चीज़ में ये जो भी डिब्बे मिलते हैं ना मैं ऐसे लगा लेती हूँ। ये मिर्च का पेड़ लगाया था मैंने, ये मैंने ये देखो ये दोस्तों लगी रहती हूँ ये। और ये देखो ये प्लांट इस तरह से है, ये पहले ये था, इसमें अभी ये वाली नए प्लांट आ गए हैं। ये है पत्थर चट्टा, पथरी वथरी में काम आता है दोस्तों। ना पीले पत्ते होना तो एक आम बात है, आप घबराइए मत, पीले पत्ते तो होंगे भाई। कभी हम बच्चे थे, अब हम फिर हम जवान थे, अब हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, इसी तरह से इन पेड़ों का भी है। और ये पीले पत्तों को आप हटा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस कोई कीड़े वीड़े लग जाते हैं थोड़ा सा, उसकी दिक्कत है। और ये मेरा ऐसा ये देखो प्लांट ऐसा है, ये बहुत प्यारा दिखता है इसका कलर। तो मैं ऐसे पीले पत्ते हटा लेती हूँ दोस्तों। अभी थोड़ा खाली टाइम था, मंदिर में कीर्तन हो रहे होंगे, आपको आवाज़ आ रही होगी, मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, शायद मंदिर की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि माइक में ये लोग भजन कर रहे हैं, कुछ भी गा लेते हैं यार, ऐसे है क्या, नियम कुछ होता नहीं है, ऐसे गा लेते हैं कभी कुछ कभी कुछ, तो बहुत तेज़ से गा रहे हैं। और ये मंदिर है, चलो क्या बोल सकते हैं, है ना। तो दोस्तों इस तरह से मैंने पीले पत्ते हटा लिए हैं, आज मैंने सारी कटिंग ऐसे कर ली है और ये बहुत प्यारा बन गया है। ये भी देखो, ये देखो बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। और ये दोनों पत्थर चट्टा इस तरह से मैंने फ्लावर लगा रखे हैं यहाँ पर। और ये मैंने था समी का पौधा था, ये बहुत लंबा हो रहा था, मैंने कहा इसकी टहनी काट दी तो ये ऊपर को थोड़ा सा ऊपर को ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और नीचे को इसकी गहराई होगी और घना बनेगा थोड़ा पेड़, तो इस तरह से मैंने इसको काट दिया। ये तुलसी मैया है दोस्तों, इसमें ये मंजरी लग चुकी है। और दिखाती हूँ आपको, आज मैंने सारी कटिंग करी है, अभी गंदा हो रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, मैं अभी अभी लगी हूँ और सारा कर लिया मैंने, क्योंकि ये 15 दिन में आजकल एक तो बारिश का मौसम है और बार बार पत्ते पीला होना, कीड़ा लगना, इनमें तो दोस्तों कीड़ा लग गया था ये इसमें ये, तो मैं इनके भी पीले ये जो नीचे नीचे जड़ से है इसको हटा देती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मुझे काम करना भी अच्छा लगता है, थोड़ा शरीर साथ नहीं दे रहा है और काम करना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। काम तो रोज ही किया है दोस्तों, जब पहाड़ में थे तब तो खैर क्या क्या काम किया था पता ही है, पहाड़ी भाई बहन जो होंगे उनको पता ही है कि पहाड़ में कितना काम होता है। अब शहर वाले बन गए, काफ़ी समय यहाँ पर हो गया तो शरीर भी साथ थोड़ा सा तबीयत की वजह से, बीमारी की वजह से थोड़ा सा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरी मेहनत करती हूँ दोस्तों जितना करना होता है। ये देखो मैंने इस तरह से सारे गमले आज इस तरह से कर दिए हैं, ये सब हटा दिए मैंने, ये आप ये देखो ये साफ बना दी ना, इसमें जो है ना कीड़ा लग रहा था, ये मैं इस वजह से मैंने इनको काट दिया है। अब इसमें नए पत्ते आएंगे तो एकदम कीड़ा नहीं लगेगा, थोड़ा इसमें दवाई ववाई डाल दूँगी और थोड़ा खाद डालूँगी, यूरिया लाई हूँ थोड़ी सी, इसमें 4-4 दाने इसमें यूरिया डालती हूँ मैं, बाकी गोबर भी मेरे पास है नहीं, मंगाऊँगी गोबर, गोबर ही असली में डाला जाता है, या थोड़ा सा यूरिया भी डाल दो चलता है। और ये सारी मिट्टी और रेता मिला के डाला होगा, बहुत अच्छे प्लांट बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये देखो ये दोस्तों, ये सब दिख रहा होगा, बस यही काम करने में आज मैं लगी हूँ। सारा घास आस निकाल के नीचे के पत्ते पीले वाले हटा दिए हैं सभी के, तो अच्छा लग रहा है। और आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और यूँ ही अपना साथ बनाए रखे, है ना। ये देखो ये मनी प्लांट है, जैसी मनी हो रही है ऐसी भी प्लांट भी ऐसी हो रखा है, मनी की वो जैसी प्लांट हो रहे हैं मेरे पास सब खुले सिक्के मिक्के हैं ना, इसी तरह से ये पत्ते भी हो रहे हैं, ये देखो छोटे छोटे पत्ते हो रहे हैं, लेकिन अच्छा लंबाई अच्छी ले रहा है ये कनिस्तर में लगाया था, काफ़ी टाइम हो गया, इसको सही करूँगी, अभी कुछ बड़ा गमला सा लाऊँगी उसमें लगाऊँगी, बहुत अच्छा इसकी
ग्रोथ हो रही है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। कोई कोई पीला पत्ता हो जाता है तो मैं उसको हटा देती हूँ, ये तो चलता रहता है, पीले पत्ते हरे पत्ते, पतझड़ सावन तो आता ही रहता है दोस्तों। ज़िंदगी में भी ऐसी है और पेड़ों की लाइफ में भी ऐसी है, इंसान की लाइफ में भी ऐसी है। तो दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आप सभी का धन्यवाद। मैं दिखा रही हूँ आपको गार्डन, और ये मेरा घर है, इस तरह मैंने ये लगा रखे हैं। और इनको मैंने कहा फिर कहीं लगाऊं, अगर दीवार में रखना चाहूं, यहाँ यहाँ इसको रखना चाहूं तो कभी हवा तूफान से यहाँ गिर जाते हैं, वैसे है यहाँ रखते हैं लोग, लेकिन यार कभी बच्चे हाथ से गिरा देते हैं, कभी कुछ, इस वजह से मैं नहीं रखती हूं। तो ये मैंने यहाँ इस वजह से ये यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर पूजा करती हूं शमी के पौधे की और तुलसी के पौधे की। बाकी सामने मेरे इतने सारे गमले लगे हुए हैं, वो सब आपको दिख रहा होगा, इतना हरा भरा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, सामने से पूरा दिखाती हूँ दोस्तों। कुछ मैंने वहाँ पर रखा हुआ, ये कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर आड़ से लगे कुछ वो हैं, और कुछ ये हैं, और कुछ यहाँ पर हैं, है ना। और इस तरह से दोस्तों अब इसमें झाड़ू मारूँगी, नहीं तो अगर बारिश आएगी तो पूरा गंदा हो जाएगा। और इस तरफ का दिखाती हूँ मैं ये आपको, ये देखो ये सफ़ेद वाला अपराजिता है, वो था बैगनी कलर का अपराजिता। तुलसी के पेड़ इतने जमे हैं ना दोस्तों, ये देखो ये तो सदाबहार प्लांट है, ये भी बेल होता है, इसमें भी बहुत अच्छा फूल आता है। और ये एक एक टहनी लगाई थी, ये जो मिलता है ना डिब्बा में उसको बर्बाद नहीं होने देती हूँ। ये तुलसी के पेड़ मैंने इसमें लगाए हैं, डिब्बा छोटा हो गया लेकिन बड़े गमले में और लगाऊँगी, चाय के लिए हो जाएगा, ये पूजा के लिए वाला हो जाएगा। और ये हैं बेलपत्र के पेड़, एक पेड़ मैं इसमें मैंने दो सिले लगा रखे हैं, एक पेड़ मैं इसमें रखूँगी अपने घर में लगाऊँगी, और एक पेड़ हम कहीं मंदिर में लगाएंगे। और ये मैंने मिर्ची के पेड़, गमला खाली था तो मैंने कहा खाली होने से अच्छा कि इसमें मैं लगा दूँ मिर्ची के पेड़। ये है कड़ी पत्ता, ये भी अपराजिता है सफ़ेद वाला, ये बड़ा हो गया, ये भी इसको जगह अच्छी मिल गई तो ये बड़ा हो गया, और ये भी कड़ी पत्ता ही है। अब दिखाती हूँ दोस्तों तुलसी के पेड़ मेरे कहाँ कहाँ से जमे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको छोटे छोटे, ये देखो ये देखो बहुत प्यारे प्यारे मुझे लगते हैं ना, ये कहाँ से, ये पत्थर के नीचे से आ गए, बहुत सारे हो रखे हैं ये। और दोस्तों ये यहाँ पर गाड़ी का मेरा गैराज है, यहाँ पर कार आ रहती है, अभी है नहीं, अभी बाहर गई है। यहाँ पर स्कूटी और बाइक है, ये स्कूटी है, ये मेरी बाइक है। और मैंने आज ये भी करा था, यहाँ पर ये लौकी का बेल था, इसको मैंने इस तरह से यहाँ से मैंने एक रस्सी बांध के रस्सी लाई, और रस्सी में मैंने ये लगा लिया। और ये गार्डन का काम किया, लौकी का बेल सीधा किया, तुरई का बेल सीधा किया, ये भिंडी मैंने ऊपर से काट दी है दोस्तों, इसमें नई नए कल्ले जो आ रहे हैं, इसमें भिंडी लग सकती है, अभी संभावना तो है, हो रहे हैं पत्ते इसमें दिख रहा होगा आपको। और ये अरबी के पत्ते उत्ते अच्छे हो गए, पतौड़े बनाएंगे इनके, है ना। और ये हल्दी के पेड़ मैंने काट दिए, बहुत ही बड़े हो गए थे, सांप को साफ सही रहता है क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, सांप कड़े का डर रहता है। ये है गुलाब, ये गुलाब है दोस्तों, बहुत प्यारा प्यारा कलर इसका है। ये पुदीना है यहाँ पे, ये धुन है यहाँ पे, फरण बोलते हैं गढ़वाल में, और हमारे यहाँ कुमाऊँने बोलते हैं इसको धुन। ये भी प्लांट लगा रखा है, इसमें एक बेल वाला, इसमें गुलाब का पेड़ है, बेल वाला है ये। ओके दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, बाय बाय आपको।